हमारी नौजवान पीढ़ी भाई इधर मरना थोड़ा, ये देखिए एक वो भी है इधर देख पीछे, वो देखिए इधर देखिए शिवू, ये देख स्माइल देख रहे हो दरबार की जय। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल शैली मोटर व्लॉग्स। तो गाइज आज हम जा रहे हैं वैष्णो माता, और जा किसकी वजह से रहे हैं, इसकी वजह से, क्योंकि इसकी जो फ्रेंड है उसका बर्थडे है, और इसने बोला था कि मैंने उसको वैष्णो देवी दर्शन करवाने आज के दिन, इसने उसको बर्थडे विश भी नहीं की, जिसकी वजह से वो नाराज़ हो चुकी है इसके साथ। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, वो देखो वो जा रही है गाइज आगे, और इससे बात नहीं कर रही इस टाइम, क्योंकि इसने उसको बर्थडे विश नहीं किया, जिसकी वजह से वो इसके साथ बात नहीं कर रही। वैष्णो देवी जाने के लिए सबसे ज़रूरी काम कोविड का टेस्ट, और उसका फॉर्म हम अभी फिल करने जा रहे हैं। यहाँ से टेस्ट होगा हमारा कोविड का, और लाइनें देखो कितनी लंबी लगी हुई हैं। गाइज यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए रुके थे, और थोड़ा इनको खाना भी खाना था, क्योंकि घर से चले थे चंडीगढ़ से, तो इन्होंने कुछ खाया नहीं था, तो यहाँ पे हम थोड़ा खाना भी खा लेते हैं। देख लो अभी तक बनाने लगा हुआ है इसने, क्योंकि उसको बर्थडे विश नहीं की थी, जिसकी वजह से ये मूड ऑफ कर दिया इसने उसका पूरा। लो भाई फाइनली मान गई, स्माइल देख रहे हो शाबाश 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 करते 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 बस बस ओ बस होगी गेम होगी। नहीं है फिर सरप्राइज ही ना, मुझे पता था पिछली बार। अबू राम को खाने का मतलब है बस। तो गाइस अभी 12:44 हो गए, और हमने यात्रा शुरू कर दी है, देखो सभी चल रहे हैं। मैंने उनको बोला था कि घोड़े कर लो, पर कहते नहीं करने, पैदल ही जाएंगे, ये पहाड़ में चल रही हमारे साथ। देखो पीछे तो हम बस निकलने वाले हैं, हमारे दो फ्रेंड नीचे गए हैं वॉशरूम। अरे ये तो भाई तो बस अपने एंजॉय करने आए हैं बस। हम तो बस ये देखो भाई घोड़ों पे जा रहे हैं, ये इनसे सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, और इसका हाल देख लो जो डर रही है इतनी देर से। चल घोड़े पे चल 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 जल्दी कर, हमारी नौजवान पीढ़ी इधर मरना थोड़ा, ये देखिए एक वो भी है इधर देख पीछे, वो देखिए इधर देखिए शिवू, ये देख ये देखो गाइस ये जा रहे हैं घोड़े पे, और हम जाएंगे सीढ़ियों से। एक तो चले गया भाई, इसका हाल देख लो इसका, सबसे पहले ये सबसे बड़े घोड़े वाला, सबसे छोटा मिला इसको, ये गई सीपू खेचे जकारा शेरा वाली दा साचे दरबार की जय। आजा आजा थोड़ी रह गई, वजह सामने दूसरी आ गई। तो गाइस जैसा आपको पता कि जो हमारे साथ आ रहे थे पारुल वरुण, और
उनके साथ प्रियंका सीफू थी वो चले गए घोड़े पे और हम जा रहे हैं सीढ़ियों से। हमारी बैट लगी है उनके साथ कि हम उनसे पहले पहुंचेंगे, तो भाई जा रहा अब देखते हैं कि उनसे पहले पहुंच पाते हैं कि नहीं, पर पहुंचेंगे तो हम ही पहले उनसे जो मर्जी हो जाए। क्यों तो भाई जरा दिक्कत नहीं है, अगर बंदा कंटिन्यू चलता रहे ना सीढ़ियों से हाँ। तो बड़े आराम से पहुंचेगा, 45 मिनट में बड़े आराम से पहुंचेगा, 45 मिनट में पहुंच जाएगा। तो भाई जय माता दी, आगे मिलते हैं अभी। हाँ जाओ, उनसे पहले पहुंच के आपको दिखाएंगे हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे उनसे पहले। जय माता दी। भाई हम पहुंच चुके हैं आधुकारी और अभी का टाइम हो चुका है 1:50 और हम चले थे नीचे से 1:01 पे बाणगंगा से और वो अभी तक नहीं आए। मतलब हम पहले पहुंचे, आई थिंक हम जीत चुके हैं उनसे और हम पहले पहुंचे। वो आएंगे आपको उनकी शक्ल भी दिखा देंगे वो कैसे लग रहे हैं अभी। तो भाई सीढ़ियों में बहुत मजा आता है हाँ। अगर बंदा कंटिन्यू चलता रहे ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट या 50 मिनट लगेंगे आपके ज्यादा से ज्यादा, पौड़ी से वो बेस्ट है। बाकी जिनको कोई प्रॉब्लम है वो ना आए प्लीज, और जो आ सकते हैं वो जरूर पौड़ियों से आए, आपका काफी टाइम बचेगा। तो भाई जय माता दी। ये देखो इनकी घोड़े वालों की शक्लें, बाकी कहाँ है, बाकी वह कहाँ है, फर्स्ट टाइम नहीं, फर्स्ट टाइम मैं गाइस वो अभी तक नहीं आया कोई भी, बस सीफू पहुंची है वो पीछे आ रहे हैं। ओ, इनकी भी शक्लें देखो, सबसे लास्ट इसका देखो पहाड़न का सबसे लेट, वो देखो बड़े घोड़े वाला भी आ गया, सबसे पीछे ये पहुंचा जो सबसे पहले आगे आ रहा था। ये जिसको मजा नहीं इसकी शक्ल देखो पहले, और ये देखो इसको जो कहती घोड़े पे नहीं जाना मैंने, चले चलो जयकारा शेरा वाली दा। वैसे हमें वैष्णो माता के दर्शन हो चुके हैं, वो आपको पता है कि जब वहाँ जब हम दर्शन करते हैं इतना सुकून मिलता है ना दर्शन करके, और आप सबने भी किए होंगे आपको पता ही है सबको कितना मजा आता दर्शन करने। अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने, बस उनके दर्शन करेंगे और उसके बाद निकलेंगे मानसर लेक निकलेंगे उसके बाद। हाँ बब्बू आंखें तो खुद ही बंद हो रही है अभी तो। ये देखो पीछे लव बर्ड्स, ऐसे में भैरव बाबा के भी दर्शन हो चुके हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, कोई लाइन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, बड़े अच्छे दर्शन हुए हमें। और मौसम भी बड़ा अच्छा हो चुका है, अभी सनराइज होने वाला है, मौसम देखो कितना अच्छा है। बाबूजी शुगर लेके आए? नहीं वो खुद दे डाल, चला गया फिर, पाउच थोड़ी है इनके पास, जो भी आ वही लेके आओ। चलो कोका में क्या फर्क है गाइस। हम अभी इस टाइम कटरे पहुंच चुके हैं दर्शन करके माता रानी के, और हम कर रहे हैं इस टाइम ब्रेकफास्ट, देखो हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट ख़त्म हो भी चुका है और अभी इस टाइम हम यहां से निकलेंगे सीधा मानसर के लिए। गाइस मानसर जाने के लिए जो रोड है वो हमें जब हम कटरा से आएंगे इस साइड से, तो हमें ये जो श्रीनगर आपको दिख रहा होगा सामने लिखा हो 220 किलोमीटर, उधमपुर 38 किलोमीटर, लेह को भी यही रोड जाएगा, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाएगा यू टर्न लेके वापस आएंगे। तो इस ये जो पहाड़ है इसके बैक वाले पहाड़ के पीछे हम सीधा ऊपर चढ़ेंगे तो वो मानसर लेक वाली साइड को चले जाएगा, और इस तरफ से हम जब अगर हम इस तरफ से आएंगे तो ये रोड जो है ये आ रहा है जम्मू पठानकोट से, तो अगर हम यहाँ से आएंगे तो सीधा कटरे जाएंगे, कटरा चले जाएगा। अगर सीधा जाना होगा तो फिर हमें वहाँ से किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा और हम मानसर लेक के लिए चले जाएंगे। ये रोड पठानकोट जम्मू वाला है और ये रोड श्रीनगर वाला है। यहाँ पे लोग जैसे पिकनिक मनाते हैं ना वैसे घर से खाना वगैरह बना के ले आते हैं, और ये देखो सब यहाँ पे अपना अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। गाइस मानसर में आके आपको बच्चों के लिए झूले मिल जाएंगे यहाँ पे, ये देखो गाइस यहाँ बच्चों के लिए मतलब बहुत सारा फन है, छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, गेमिंग है, जैसे मर्जी गेमिंग करो, मतलब पूरा टोटली फन है। पीछे झील है इसके बैक साइड में, वो मैं आपको दिखा दूंगा, अभी थोड़ा गेम का साइड भी दिखाता हूँ कि कौन कौन सी गेमें यहाँ पे आपको खेलने को मिल जाएंगी। ये देखो यहाँ पे स्नूकर भी है, गेम्स भी बच्चे जैसे खेल रहे हैं अभी। यहाँ पे देखो गन शूटिंग है, मतलब अगर हम सेंटर में बीच वाला गिलास उड़ाएंगे तो मतलब हमको 40 रुपीज़ मिलेंगे।
तो ये हमारे भाई शॉट लगाने लगे हैं। ओ मिस हो गया। ये देखो बच्चे यहाँ पे पूरी मस्ती करते हैं, पूरा फन करते हैं यहाँ पे आके। ये देखो गाइस अबू मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है पर इसके हाथ में नहीं आएगी। ये डर क्यों रहा है? गाइस हम भी जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए और ये चार लोग अलग से जाएंगे, जो कपल हैं वरुण पारुल और शिफू है साथ में और प्रियंका है। मैं और अबू हम दोनों हम अलग से जाएंगे भाई, हम अकेले। ठीक है, ओए पानी मत फेंक। कपल का मैं देखो अबू गीले कर दी भाई, इनको पानी फेंकने से पहले हम पे हम किसी से कम खड़ी हैं। ओए रेस लगी रेस। ओ थक गए। ओए इधर उधर घुमाई है करता माए। सीधी रख। थक गया तू एक पैडल रख बस। एक सिद्धी कर ना ला मारी। तो फाइनली हार चुके हैं अब। हार गए भड़क। भाई राज्य रात है, मौसम भी वैसे बहुत बढ़िया आज। इधर ओए बोर्ड सिद्धी कर पहले अपनी। गाइस ये लोग हार चुके हैं, हम जीत चुके हैं। हमने देखो अपनी बोट पार्क भी कर दी है और ये सब हार गए हैं। शक्लें देखो इनकी। तो गाइस हम सब अपने अपने घर में पहुंच चुके हैं, सबको मैंने ड्रॉप कर दिया है और हमने बहुत फन किया वहाँ, बहुत मजा किया है। पर ये है कि हम रुके कहीं पे नहीं, जिसकी वजह से थकावट बहुत ज्यादा हो चुकी है। इसको भी देखो, इसकी शक्ल देखो कैसी हो गई है, थक चुके हैं बुरी तरह से। और गाइस आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, कमेंट में जय माता दी लिखना जरूर और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।